नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर नामित किया है। कुमाऊं मंडल के विधायकों के सहयोग के लिए नवनीत पांडे और गढ़वाल मंडल के विधायकों के लिए ललित मोहन रयाल को नामित किया है। दोनों नोडल अधिकारी अपने अपने मंडल के विधायकों से मिले प्रस्तावों को लेकर संबंधित विभागों से संवाद कायम करेंगे, जिससे विकास योजनाओं को समय रहते हुए पूरा किया जा सकेगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम धामी की सराहनीय पहल देखने को मिली है। सीएम धामी ने दो नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है और जिससे विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। शनिवार को काशीपुर से खडीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य बाजार में काफिला रुकवाकर हाथ से बने मिट्टी के दीयों की खरीदारी की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप वोकल फॉर लोकल के महाअभियान को बढ़ावा देता छोटा सा सहयोग बताया। मिट्टी से बने दीयों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना एक कुम्हार के घर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है, और इस अवसर पर उन्होंने सभी से इस दिवाली को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने का आग्रह किया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे खटीमा की, जहां पर सीएम धामी ने काफिला रोककर मिट्टी के दिए खरीदे और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की भी तारीफ की। काशीपुर में हिंदू शक्ति संगठन के दीपोत्सव 2022 का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की, और इसके बाद प्रदेश के सीएम धामी ने द्रोणासागर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने द्रोणासागर के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के सभी लोगों के मंगल की कामना की। इस अवसर पर जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम ने दीपोत्सव में शिरकत की और साथ ही साथ उन्होंने द्रोणासागर मंदिर में पूजा भी की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हमारे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काशीपुर में हिंदू शक्ति संगठन ने दीपोत्सव 2022 का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की, और उसके बाद प्रदेश के सीएम धामी ने द्रोणासागर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने द्रोणासागर के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के सभी लोगों के मंगल की कामना की। इस अवसर पर जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। धनतेरस के दिन यहाँ पर बहुत ही शानदार दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति की चेतना के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान राम वो प्रकाश पुंज हैं जिसने जिसकी ओजस्वी किरण भारत की महान सनातन संस्कृति को सदियों सदियों से अनुप्रमाणित करती है। खबर पौड़ी से है, जहां स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने अस्वस्थ होने के बावजूद स्थानीय बाजार में निकले, जहां उन्होंने मुख्य बाजार में स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने बताया कि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है। तो दूसरी ओर प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष कमल रावत भी धनतेरस और दीपावली को लेकर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछते हुए नजर आए। तो पौड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर विधायक ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और साथ ही साथ लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी।
तो वहीं आपको बता दें कि सर्वप्रथम सभी नागरिकों को पौड़ीवासियों को मेरी तरफ से धनतेरस दिवाली की बधाई। कोरोना के बाद जो स्थिति हो गई थी मार्केट की, मुझे ऐसा लगा कि ये दिवाली काफी अच्छी है। पिछले 2-3 दिन से काफी भीड़ है और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा सभी व्यापारियों के। ये सबसे पहले तो सभी मेरे पौड़ीवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई, और मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, जिससे पौड़ी का माहौल ऐसा ही 12 माह बना रहे। और जैसे आज देखने को मिला है कि धनतेरस के उपलक्ष्य में 2 दिन का धनतेरस, व्यापारियों के जो चेहरों पर रौनक लौट के आ रखी है, ऐसे ही अगर 12 महीने अगर ऐसी ही रौनक रहे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पौड़ी जो हमारी विलुप्त हो चुकी थी पर्यटन के दौर पर, आज जो भीड़ जो क्राउड यहाँ पब्लिक बढ़ के उमड़ के आ रखा है, और निश्चित तौर पर जो खरीदारी लोग कर रहे हैं ऐसी ही खरीदारी हमेशा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ दिवाली की और धनतेरस की। और साथ ही मेरा जो कहना था कि मैं जैसा था वैसे ही रहूँगा, उसको मैं वास्तव में अपने दिल मन से जो है पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने कही हुई बात पे खरा उतरूँ। पहले तो सभी लोगों को दीपावली की जो 5 पर्व हैं वो धनतेरस से शुरू होंगे, और छोटी भगवान बड़ी भगवान, और उसके बाद गोवर्धन पूजा, और फिर उसके बाद जो है भैयादूज होता है, उसकी शुभकामना है। और बिल्कुल आज क्या है कि 6:04 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है, तो इसलिए दिन में तो उदय व्यापनी जो है वो द्वादशी है, तो जो मुख्य उसका जो वो है मुहूर्त है वो शाम के समय में है। आज भी खूब अच्छी तरह से सभी लोग खरीदारी कर सकते हैं। और सब बधाई है। दीपावली को लेकर देहरादून के बाजार सजने लगे हैं। भगवानपुर में दिवाली को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के चलते काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि लोग घरों से खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे। तो ये खबर आपको बता रहे रुड़की से, जहां पर दीपावली को लेकर बाजार सज चुके हैं और ऐसे में लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बार व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 2 सालों से जहां कोरोना के चलते त्योहार काफी प्रभावित हुए, लोग खरीदारी करने के लिए इतने बाजार में नहीं पहुंच रहे थे, तो वहीं इस बार व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं और इस बार लोग भी बाजारों में बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बार 3 साल के बाद लोगों को मौका मिला है अपने त्यौहार को अच्छे से मनाने का, और ये त्यौहार हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक है और सब में एक दूसरे में प्यार बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए अब की बार आपने देखा है कि हर फैक्ट्री के ऊपर, हर घर के ऊपर लोगों ने बहुत जगमगाए रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाने का काम किया है अब की बार, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसमें जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह, दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब के जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हैं और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है, और बाजार में रौनक भी है, और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान हैं सबका उपयोग करें, और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार के पर्यावरण और पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार भूमाफिया हरे भरे बागानों को उजाड़कर कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का पर्यावरणीय संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। ताजा मामला विकासनगर तहसील के रामपुर गांव से सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचों को
रातों रात काट दिया और 3 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को बड़ी बेरहमी से काटकर बाग का सफाया कर दिया। वहीं जब बाग की कटाई की खबर डीएम को लगी तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई, जिसके बाद सारा स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और जहां भारी संख्या में फलदार आम के पेड़ काटे पाए गए, जिसके बाद डीएम ने बाग मालिक और प्रकरण में शामिल सभी लोगों पर मुकदमे के निर्देश दिए हैं। तहसील प्रशासन की टीम भी है, क्या मामला है? ये हमें सुबह सूचना मिली, दूरभाष से हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने यहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं और इसके संबंध में हमारे उच्च अधिकारी महोदय से भी विदेश हुए हैं कि भाई आप इस वक्त जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इसमें देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको सूचना दी गई, जिसके संबंध में मौके पर आए, तो मौके पर संबंधित डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा बुलाया गया और उन्होंने भी इसका जांच किया गया, हमारे द्वारा इसकी जांच की गई और इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए, ताकि आगे इस तरह के अपराध ना हो, इसलिए विभाग के द्वारा पुलिस को इस संबंध में एक प्रत्यावेदन दिया जा रहा है, ताकि इस पर अग्रिम कार्रवाई होकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करते हैं खबरों की ओर। दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस से होती है और धनतेरस का महत्व भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी सोने से भरा हुआ कलश लेकर निकली थी, यही वजह है धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है और सोने चांदी की खरीदारी करने के साथ साथ लोग दीपावली के त्योहार की भी जमकर खरीदारी करते हैं। बाजारों में काफी भीड़ है, दुकानदारों का कहना है कि इस बार काफी अच्छी बिक्री हो रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार खुशियों की दीपावली मनाई जा रही है। दिवाली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और ऐसे में धनतेरस के मौके पर भी बाजारों में खासा भीड़ देखने को मिली। वहीं प्रशासन भी त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर नजर आया। लक्ष्मी का प्रतीक, धनवंतरी के प्रतीक, जो एक पर्व है, अलौकिक पर्व है, परंपरा से चला आ रहा है। आपके चैनल के संचार के माध्यम से धनतेरस, धनवंतरी दिवस और दीपावली के श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर एवं जिमेश्वरालय प्रधान कार्यालय मंदिर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन माँ के उपासक है, लक्ष्मी के पूजा के निमित्त जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा को निर्वाह करके आप लोग अपने त्योहार का आनंद लें। अच्छी चल रही है, लोग ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, अलग अलग जितना जिसकी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं महंगाई है महंगाई है, मेरी नजर में बिल्कुल महंगाई नहीं है। अगर सरकार को या किसी व्यक्ति को लग रहा है कि महंगाई बहुत है, तो वो शराब के ठेके पे जाके देख सकता है कि महंगाई का कितना प्रभाव होगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने शासकीय आवास पर अर्पण कला के जरिए मां लक्ष्मी के चरण और कई सुंदर कलाकृतियां बनाकर दीपावली की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने संस्कृति के संरक्षण के लिए घर के आंगन को सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए अर्पण कला का प्रयोग करने की अपील की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे देहरादून की, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लोगों से अपील की है कि अर्पण कला के जरिए वो कलाकृतियां बनाएं और अपनी संस्कृति को सजो कर रखें। संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने ये कलाकृति अपने घर के आंगन में भी बनाई। देहरादून की खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करें और ऐसे में उन्होंने अपने शासकीय आवास पर अर्पण कला के जरिए मां लक्ष्मी के चरण और कई सुंदर कलाकृतियां बनाकर दिवाली की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मेरी नानी नैनीताल में बहुत सालों तक रही, तो ननिहाल मेरा नैनीताल था। और आप जानते हैं कुमाऊं का एक फोक आर्ट है और कुमाऊं में बहुत पवित्र भी माना जाता है, किसी भी शुभ दिन इसको ज़रूर किया जाता है। तो मैंने अपनी नानी को, अपनी माँ को ये करते हुए देखा था और मैं भी करती आई हूँ। चाहे मैं बिहार में रही हूँ, वहाँ भी मैंने अपने घर में दीपावली के दिन ये अवश्य कोशिश की है, प्रयास किया है कि अपन ज़रूर बने। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में मौजूद मवेशियों में लंपी का प्रकोप बढ़ रहा है। बीते दिनों कोटद्वार से पशुधन विभाग ने मवेशियों का टीकाकरण कराया था, लेकिन मवेशियों को दवाई मुहैया कराने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में मौजूद सांड लंपी की चपेट में आकर बीते करीब एक पखवाड़े से बीमार था और इस दौरान अनेक लोगों ने सांड का उपचार कराया और दवाइयां भी दी। तमाम उपचार कराने के बावजूद सांड की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उपचार के दौरान लंपी ग्रस्त सांड ने दम तोड़ दिया। सांड को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और विधि विधान पूर्वक सांड की अंतिम क्रिया की गई। इस दौरान सांड को दफनाने से पहले लोगों ने उसके शव पर चादर चढ़ाई, तो वहीं विनोदयानी ने विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार कर सांड की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। कई सालों से हमारे था, इसका देहांत हो गया है। इसकी उम्र 15-16 साल हो गई थी, हम इसकी बहुत सेवा कर रहे थे। इसका अकाउंट से ध्यान हो गया था, पूरे विधि विधान पंडित विनोद कुमार ध्यानी जी एवं बाकी प्रख्यात के पूरे कॉलोनी के पूरे समस्तगण ने इसकी बहुत सेवा करी एवं विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार किया। देश में दीपावली के त्योहार पर सभी बाजारों में रौनक छाए हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में भी दीपावली के त्योहार की धूम बाजारों में दिखाई देने लगी है। लेकिन इस त्योहार पर सबसे ज्यादा परेशानी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर होती है, जिसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में राज्य का कोई भी खतरा नहीं है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर देश भर में दीपावली की रौनक छाई है और ऐसे में बाजारों में भी दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लगातार सभी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि दिवाली एक जो त्योहार है उसमें लोग जो है इसको मनाते हैं अपने पटाखे फोड़ के। दिल्ली में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, एनजीटी के आदेश पर इसको जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, परंतु स्टेट में इस तरह का कोई आदेश अभी नहीं लागू हुआ है, ना माननीय न्यायालय से कुछ भी नहीं आया है। बट फिर भी एहतियात के तौर पर हमने एडवाइजरी जो जारी की, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है किस तरह के पटाखे आपको चलाने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 7 दिन पहले 17 अक्टूबर से ही हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का कार्यक्रम हमारे 6 शहरों में चालू हो गया। आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजस्थान की और यहां की संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं। आनंद यादव वहां से कर लीजिए, कहीं के फंड लोकेशन तो देखो कैमरे का।
मैं अकेला ही हूँ, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर वीर सैनिकों के साथ मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी वहां पर मौजूद हैं। देहरादून में ये दीपावली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तस्वीरें आपने देखी देहरादून की, जहां पर दीपावली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी हिस्सा लिया। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।